हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया में आते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो इन चारों के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी लेंगे, इनका क्या कैरेक्टर है और इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया है। यह आपको पता होगा, जब आर्यच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तब इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया था, लेकिन बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया कार्ल वोज के द्वारा और उन्होंने कहा कि मोनेरा में भी 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इसके बाद मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया गया, जिससे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और 1977 में कार्ल वोज ने ही सभी ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में बांट दिया था, आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकेरिया। यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया इतने अलग, इतने एंशियंट ऑर्गेनिजम्स हैं कि इन्हें अलग से रखा गया। उसके बाद बैक्टीरिया को रखा गया है जिसमें साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा भी हैं, और यूकेरिया में सभी 4 किंगडम्स हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया आता है। आइए जान लेते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनो बैक्टीरिया के बारे में। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, ये सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब पहली बार ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी अर्थ पे, तभी इनका इवोल्यूशन हो गया था। यानी ये सबसे पुराने जीव हैं पृथ्वी पर। इनके बारे में सबसे पहले कार्ल वूज ने बताया था। इनके कुछ खास कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन अब्सेंट होता है और उनकी वाल प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। इसके अलावा इनमें स्यूडोम्यूरिन नामक पदार्थ भी होता है। आर्की बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन्स में ब्रांच्ड चेन लिपिड्स भी होते हैं और इनका जो 16SRRNA है वो अदर ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। इनकी सबसे खास बात यह है, आर्की बैक्टीरिया किसी भी कंडीशन में जीवित रह सकते हैं, चाहे वो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, यहाँ तक कि बिना ऑक्सीजन के भी आसानी से रह सकते हैं। इन्हीं के आधार पर आर्की बैक्टीरिया को 3 भागों में बांटा गया है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। मेथेनोजेंस का मतलब ये मेथेन उत्पन्न करते हैं या ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां मेथेन की अधिकता होती है। मेथेनोजेंस प्योरली एनरोब्स होते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये मर जाते हैं। कुछ मेथेनोजेंस हैं मेथेनोबैक्टीरियम और मेथेनोकोकस। यही मेथेनोजेंस गोबर में रहते हैं और जो गोबर गैस बनाई जाती है वो इनकी उपस्थिति में ही बनती है। इसके अलावा कुछ मेथेनोजेंस रुमिनेंट्स के स्टमक के फर्स्ट चैम्बर में भी रहते हैं। रुमिनेंट्स जैसे कि बफेलो, काउज रुमिनेट करते हैं चारे को, मतलब एक बार चारा खाने के बाद ये उसे बाद में निकाल करके चबाते हैं, जुगाली करते हैं। तो चारे का जुगाली करना जो है उसमें हेल्प करते हैं मेथेनोजेंस, और ये मेथेनोजेंस चारे में उपस्थित सेलुलोज का फर्मेंटेशन कर देते हैं ताकि वो आसानी से पच जाए। सेकंड है हेलोफाइल्स। ये ऐसे आर्की बैक्टीरिया हैं जो अधिक साल्ट वाले स्थान पर रहते हैं, जैसे कि हेलो बैक्टीरियम और हेलोकोकस। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं और कीमोहेट्रोट्राफ होते हैं, मतलब केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में एक रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है जिससे ये सोलर रेडिएशन से बच जाते हैं। हेलोफाइल्स इतने साल्टी स्थानों पर कैसे रह सकते हैं, तो आप बताएंगे, इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपिड्स होती हैं, इनके मेम्ब्रेन के ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, इनके अंदर भी साल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद है थर्मो एसिडोफाइल्स। नाम से पता चल रहा है, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, एसिडो का मतलब एसिडिटी, यानी ये बहुत अधिक टेम्परेचर और बहुत अधिक एसिडिटी में भी रह सकते हैं।
तो 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तक आसानी से ये जीवित रह सकते हैं और 2 PS तक भी रह सकते हैं लोएस्ट। थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस नाम के दो थर्मोएसिडोफाइल्स आर्किबैक्टीरिया हैं। ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, मतलब केमिकल्स के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आर्किबैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि ये एंसियंट बैक्टीरिया हैं, सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं या सबसे पुराने जीव हैं। इसके बाद यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया में मेनली वो नॉर्मल बैक्टीरिया आते हैं जो किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं, उस पर हमने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा की तरफ। माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूट्स भी कहा जाता है। ये सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछी जाए तब भी आप माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का नाम लेंगे। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है एमएलओ, यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, या पीपीएलओ, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनका नाम प्ल्यूरो इसलिए पड़ा क्योंकि ये कैटल्स के प्ल्यूरल फ्लूड में पाए गए थे। प्ल्यूरल फ्लूड का मतलब है फेफड़ों और उनके मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूड भरा होता है जिसे प्ल्यूरल फ्लूड कहते हैं। इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती और सबसे बाहरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की। यही कारण है कि ये किसी भी टाइम अपना शेप चेंज कर सकते हैं और इसलिए इन्हें प्लियोमार्फिक कहा जाता है। इनके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, केवल 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए होता है जिसमें रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है और वो रेप्लिकेशन कर सकता है जेनेटिक मटेरियल के सेपरेशन के समय। माइकोप्लाज्मा का न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है, ज्यादातर ये पैरासिटिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर, लेकिन कभी कभी सेप्रोफिटिक भी हो जाते हैं। लास्ट में है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी कलरेशन के कारण नीले हरे दिखाई देते हैं और ये मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजेनिक होते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो नॉर्मल यू बैक्टीरिया हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं उनमें एक डिफरेंस आपको ये बता दें कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है, जबकि यहाँ पर यूकेरियोट्स की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और इसके अलावा अदर पिगमेंट्स भी होते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। नॉर्मली यू बैक्टीरिया में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। साइनोबैक्टीरिया 3 बिलियन ईयर्स बिफोर इवॉल्व हुए थे और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के आने से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ एटमॉस्फियर में और आज ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया कहीं भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर, साल्ट मार्सेस, मॉइस्ट रॉक्स, ट्री ट्रंक, मॉइस्ट सॉइल, हॉट स्प्रिंजेज, फ्रोजन वाटर्स, कहीं भी। इसके अलावा आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, रेड सी का नाम, और वो भी एक साइनोबैक्टीरिया के कारण है। उसका ऊपर का पानी आपको लाल दिखाई देता है। जिस साइनोबैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है उसे ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया मार्फोलॉजिकली फिलामेंटस और यूनिसेल्युलर होते हैं और ये नॉर्मल बैक्टीरियल सेल से काफी बड़े होते हैं। इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन अदर सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या है? हेट्रोसिस्ट फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में लार्ज साइज्ड का हल्के पीले कलर का थिक वॉल्ड एक पार्ट है जिसमें म्यूसिलेजिनस सीड अब्सेंट होती है। ये ऑक्सीजन के लिए इम्परमीएबल होता है और नाइट्रोजन के लिए परमीएबल होता है, और हेट्रोसिस्ट का फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया की जो अदर सेल्स हैं उनकी तरह हेट्रोसिस्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। बहुत सारे डेवलप्ड प्लांट्स के रूट में एल्गल जोन पाया जाता है, अगर आप उसको काट के देखेंगे तो हरा हरा दिखाई देगा, और वो एल्गल जोन नास्टॉक और एनाबिना जैसे साइनोबैक्टीरिया के कारण ही बनते हैं। वहाँ पर ये सिम्बियोटिक लाइफ व्यतीत करते हैं रूट्स के साथ। आज से हम वीडियो में एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। हर वीडियो के लास्ट में बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो भी सबसे पहले उसका करेक्ट आंसर देगा उसका नाम हम अगले वीडियो में पब्लिश करेंगे।
एंड टूडेज क्वेश्चन इज विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योरिटी ऑफ गंगाज वाटर। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो गंगा जल की शुद्धता के लिए जाना जाता है। देन कीप वेटिंग फॉर द वीडियोज, कॉमेंट बिलो इफ यू नो द आंसर्स, शेयर द वीडियो टू टेल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।